आज हम लोग साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर फैमिली थेरेपी के बारे में डील करेंगे कि फैमिली थेरेपी क्या है। एक ऐसा थेरेपी है जिसमें अगर फैमिली के बीच में जो भी लोग हैं या कपल हैं उनके बीच में अगर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, फैमिली थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो उनके फैमिली के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके बीच में एक IPR को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? फैमिली थेरेपी। तो मतलब एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम जो क्या है रिलेशनशिप है, जो फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने की क्वालिटी को डेवलप कर सकते हैं, या एक कपल्स के बीच में एक रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? फैमिली थेरेपी की हेल्प से। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या इसके पर्पस की, फैमिली थेरेपी के क्या पर्पस है कि फैमिली के बीच में हम रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं, कपल्स के बीच में क्या है एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने में हेल्प करता है, देन आपका क्या है कि कहीं ना कहीं फैमिली की प्रॉब्लम्स को अच्छे से डील करने में, फैमिली को अच्छे से समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में हेल्प करता है, और फैमिली के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में क्या करते हैं ये हेल्प करते हैं, या किसी भी टाइप का फैमिली में कोई फैमिली ब्रेक हो गया है या कहीं ना कहीं कोई भी और प्रॉब्लम हो गया है तो उनको मिनिमाइज करने में क्या करता है ये हेल्प करता है। तो ये इसके कुछ पर्पस हैं। देन हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल्स कि हम फैमिली थेरेपी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। पेशेंट को क्या है सिंपल सा आइसोलेट करेंगे, फैमिली से क्या करेंगे सेपरेट करना है, देन पेशेंट के लिए एक प्रॉपर क्या करना है गुड एंड कंफर्टेबल रूम्स रेडी करना है या एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट सेटअप करना है जिससे कि हम उसके साथ अच्छे से फैमिली थेरेपी प्रोवाइड कर सकें, और फैमिली के बारे में जो भी निगेटिव पॉइंट्स हैं या निगेटिव थाट्स हैं उनको क्या करना है मिनिमाइज करना है जिससे कि रिलेशनशिप को हम क्या कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकें, मतलब फैमिली मेम्बर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको क्या कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकें। फैमिली की पॉजिटिविटी के बारे में बताना है जिससे कि पेशेंट के बारे में माइंड में जो नेगेटिविटी है वो क्या हो जाए मिनिमाइज हो जाए और वो अच्छे से रिलेशनशिप को मेंटेन कर सके। देन हमें क्या करना है पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर को उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, थेरेपी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अगर जो भी डाउट है कोई भी कन्फ्यूजन है उसको बिल्कुल क्लियर करना है, पेशेंट के साथ एक अच्छे से IPR मेंटेन करना है जिससे कि हम उसको अच्छे से क्या करना थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, पेशेंट को फुली असिस्ट करना है, प्रॉपरली क्या करना है असिस्ट करना है जिससे कि हम पेशेंट को असिस्ट कर सकते हैं और उसकी नीड के बेस पे उसको प्रॉपर वे से थेरेपी प्रोवाइड कर पाएंगे, और फैमिली मेम्बर्स को भी असिस्ट करना है कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको मिनिमाइज करना है जिससे कि हम उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और उनके साथ क्या है उनको एक बेटर तरीके से फैमिली थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके उनके क्या है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी डाउट्स हैं उनको ईजिली मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये क्या है उसके कुछ प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्निक्स के क्या टेक्निक्स अपनाएं जिससे हम फैमिली थेरेपी अच्छे से इम्प्रूव प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्टली क्या करना है टेक्निक्स के लिए या एक प्रोसीजर के लिए, जैसे कि उसके लिए क्या करना है एक प्रॉपरली क्या करना है एक शेड्यूल प्लान करना है, देन प्री प्लानिंग करनी है कि किस तरह से हम उसको थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं, देन हमें क्या करना है उसके लिए प्लानिंग करना है, एंड देन उनको क्या करना है उनको अच्छे से एडवाइस करना है, नॉलेज देना है, अवेयरनेस देना है, देन उनके लिए एक प्रॉपर टाइमिंग शेड्यूल फिक्स करना है, उसके लिए गुड एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है जिससे कि जो भी डाउट्स हैं जो भी कन्फ्यूजन है उनको मिनिमाइज कर पाएँ। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं एक टेक्निक्स को या इस तरह से हम प्रोसीजर को अप्लाई कर सकते हैं। देन आपका रोल ऑफ नर्स की फैमिली थेरेपी के दौरान क्या रोल के क्या नर्स के रोल होंगे कि जो भी कपल्स के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग उनको मिनिमाइज करना, कपल्स को अच्छे से समझना, उनको एक प्रॉपर काउंसलिंग देना, एडवाइस देना, नॉलेज देना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, देन उनके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना, उनके फीलिंग्स और थॉट्स को समझना और जो भी थॉट्स फीलिंग में जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको मिनिमाइज करना। तो ये कुछ क्या है नर्सेज के रोल हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं बेटर तरीके से फैमिली थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने फैमिली थेरेपी के बारे में डील किया। फैमिली थेरेपी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं फैमिली के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, कपल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको क्या कर सकते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं और फैमिली को ब्रोकन होने से बचा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने फैमिली थेरेपी के बारे में डील किया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। देन इस टॉपिक एंड अदर टॉपिक्स के नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें और ऐप को डाउनलोड करें। थैंक यू।